हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। यार मैंने कल वीडियो बनाई हुई थी कि रिजल्ट पॉलिटेक्निक के रिजल्ट के बारे में लेकर के, और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन बताई हुई थी जो कि इंटरनेट पर न्यूज़पेपर्स द्वारा आ रही थी। देखिए, उसमें मैंने खुद कोई दावा नहीं किया हुआ था, मैंने आपको केवल न्यूज़पेपर्स दिखाए हुए थे और जो उनमें लिखा हुआ है आर्टिकल उसको मैंने आपको पढ़ के बताया हुआ था कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए, अब इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर काफ़ी लोगों के मन में कुछ सवाल भी हैं, मैं आपको उन सब के एक एक बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं, उससे पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में एक नोटिफिकेशन घंटा बन के बेल आता है, बेल का आइकन, उसको आप दबा देना, क्योंकि अगर आप यूट्यूब नहीं भी चला रहे होंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, रिजल्ट आ चुका है। तो ये काम आप ज़रूर कर लेना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो देखिए यार, मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट कल क्यों नहीं आया। अगर आने वाला था तो क्यों नहीं आया, मैं नहीं कहता आने वाला था, लेकिन अगर आने वाला था तो क्यों नहीं आ सकता, क्या बात हो सकती। देखिए, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि रिजल्ट आने वाला था, जिस दिन उस दिन रिजल्ट ना करके दूसरे दिन आया हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन कुछ उनकी तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया था। उस समय एक जो पॉलिटेक्निक संस्था के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका नाम था डॉक्टर एफआर खान, उन्होंने आकर बताया हुआ था मीडिया से कि किसी तकनीक खराबी की वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया और रिजल्ट दूसरे दिन आएगा। तो रिजल्ट दूसरे दिन करीब शाम को ही 4-5 बजे आया हुआ था। तो देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। और एक तरफ से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल, मैं आपको फिर से अभी दिखाऊंगा कि जो नए न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी डाला हुआ है कि आर्टिकल की रिजल्ट आने वाला है। तो यार, एक साथ कई सारे न्यूज़ चैनल वाले लिख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए जल्दी ही। अब देखिए, दूसरी बात यह आती कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई, तो कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई अभी आंसर की नहीं आई हुई तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो देखो यार, अभी काफ़ी बार काफ़ी लेट हो रहा है, इलेक्शन की वजह से काफ़ी लेट हो गया है। और मैं अगर आपको बता दूं कि पिछली बार इतने टाइम पे, मतलब इतने तारीख में एक राउंड की काउंसलिंग भी खत्म हो चुकी थी पॉलिटेक्निक की, तो यार इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो देखिए, आंसर की का मतलब क्या होता है, आंसर की से आप अपना नंबर भले गेस कर लो, लेकिन आपका नंबर और रैंक से इसे रिजल्ट से ही पता चलती है। तो आंसर की इसलिए दिया जाता है कि आप ये पता कर लो कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप अपने ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। तो आंसर की सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने आंसर को चेक कर सको कि ये मैंने आंसर सही किया है तो इतना, ये वाला इसका ये सही है, इस हिसाब से कितने नंबर बनते हैं, ये सब कर लो। और आपको अपने रिजल्ट से उस नंबर को मिलाना है। अगर आपको लगता है मेरे नंबर कहीं कम हो रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन इसमें नहीं सही होगा, ये वाला सही होगा, आंसर की में कोई ब्लेम आपको कुछ लगता है तो आप जाके ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। तो इसलिए बनाई जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट और आंसर की दोनों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट चेक कीजिए उसके बाद आंसर की देखिए और सारी चीज़ें मिला के आप कन्फर्म कर सकते हो। तो हो सकता है 1-2 घंटे के मतलब कि अंतराल के बाद भी रिजल्ट और आंसर की आ सकते हैं। तो यार, वो इनकी स्कीम है किस तरीके से रिजल्ट को शो करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कुछ नए अपडेट आए हुए हैं, जिनकी न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ते हैं उनमें क्या अपडेट आई हुई। तो यार, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सबसे पहले पॉलिटेक्निक रिजल्ट का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन बन के आएगा उसको भी दबा देना, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो यार देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, यहां पे अमर उजाला जिनकी न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ते हैं उसमें भी लिखा गया है कि परिणाम का इंतजार है। तो मतलब कि सब ने कुछ ना कुछ लेकर पॉलिटेक्निक को भी जल्दी में, देखिए यहाँ पे 16 घंटे पहले इन्होंने अपडेट डाली हुई लेकर के। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको पढ़ के आपको थोड़ा सुना दूँ, अमर उजाला का है। अब अमर उजाला को जानते ही होंगे कि काफ़ी फेमस है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इनका आर्टिकल पढ़ के, तो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश आज यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जारी कर सकता है। यहाँ पे देखिए, साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आज रिजल्ट जारी कर सकता है। तो यार, मतलब काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि रिजल्ट आ ही जाएगा जल्दी में, जल्दी से ही। और मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, मैं आपको सब पढ़ के नहीं सुनाता, लेकिन ऊपर से आपको मैं दिखा दूँगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैनिक जागरण, यहाँ देखिए जागरण जो है उसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज जारी होगा, हो सकते हैं नतीजे, 16 घंटे पहले अपडेट हुई है। और इसी तरीके से काफ़ी सारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, देखिए यहाँ से ऊपर आप देख सकते हो, इन खबर है, इंडिया है, टाइम्स नाउ न्यूज़ है, काफ़ी सारे, और यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो इन सारे नोटिफिकेशन को देख के ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ सकता है। और अगर आप सबसे पहले रिजल्ट जानना चाहते हैं तो आप यार, और जो उसकी ऑफिशियल साइट है पॉलिटेक्निक, उस पर आप विजिट करते रहिएगा, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में एक नोटिफिकेशन बेल बनकर आएगा उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियोस डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।